सीतापुर एसोसिएशन भवन में औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों और जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें सीतापुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलेश अग्रवाल ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां 3500 औद्योगिक इकाइयां हैं, जिसमें लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है। इस औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1,25,00,000 लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन यह औद्योगिक क्षेत्र लंबे समय से बिजली ट्रिपिंग की समस्या से जूझ रहा है और अचानक बिना सूचना के बिजली गायब होने से उद्योगों को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। वहीं JBVNL के अधीक्षण अभियंता AK त्यागी ने कहा कि उद्योगपतियों के साथ बैठक में उनकी समस्या को समझा है और जल्द ही सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से बिजली की ट्रिपिंग समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लोग हैं यहाँ पर और हम दो तरह से इस पे काम करेंगे, या तो बॉटम लाइन शटडाउन लेके मेंटेनेंस करना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। बिजली को निर्बाध रूप से चलाए रखने के लिए जरूरी है कि समय समय पर उसका मेंटेनेंस किया जाए, लाइनों का, ट्रांसफार्मर्स का, और जब इसको लाइट बंद की जाती है तो कई तरह के अड़चने आती हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि प्रोडक्शन लॉस होता है, सभी से सामंजस्य बिठा के तभी इसको बिजली बंद करके मेंटेनेंस किया जा सकता है। तो पिछले, क्योंकि पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, उतना मेंटेनेंस जितने की आवश्यकता थी नहीं हो पाया, तो ये समस्या बढ़ती चली गई। आज उद्यमियों के साथ बैठ के निर्णय किया गया कि इसका ढंग से सर्वे किया जाएगा, उसका ढंग से जो भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, हमें एडिशनल जो शटडाउन लेना पड़े, सुबह के समय भी अगर अलग से बंद करनी पड़े, उस पर भी हमारी बात हुई है, तो वो भी हम सबसे बात करके सुबह के समय भी बिजली बंद करके 3-3 घंटे 2-2 घंटे इसको सही तरीके से मेंटेनेंस करेंगे, जिससे कि किसी तरह का प्रोडक्शन लॉस नहीं हो और जब जिस समय बिजली दी जाए उस समय कोई व्यवधान नहीं आए।